subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दिसो पिया कुकिंग शो में त सब खैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज जेको तव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं, शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूदु आहे, वनस्पति गिह तमामु बहितरीन, मलका फूड असां वटि आहे। मलका फूड में तमामु सुठा मसाला, काफ़ी सुठी रेसिपीज़ तव्हांखे मार्केट में अवेलेबल आहिनि। हुन में ॻाढ़ा मिर्च, हैड, धाणा ऐं हुनजे अलावा काफ़ी सारी रेसिपीज़ जेको मसालनि जूं ठहियल मिलंदियूं आहिनि। केचअप आहे, चिली गार्लिक सॉस आहे ऐं हुनजे अलावा लूणु वग़ैरह सभु अवेलेबल आहे। हुन सां गॾु आहे एनएक्स, असां वटि एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हर अवेलेबल आहे। एनएक्स तव्हां वठी सघो था। एनएक्स में तमामु मज़ेदार शयूं ठाहिण लाइ तव्हांखे मशीनरी ज़रूरत हूंदी आहे, त एनएक्स तव्हांजी किचन में हुजणु खपे। अॼोकी रेसिपी तमामु बहितरीन ठाहियां पियो, जेका असां ठाहींदासीं मच्छी जो ई वीक कंदा अचूं पिया, त मच्छी काफ़ी तरीक़े जी फ्राई करणु सेखारी आहे। त हीअ कराची फ्राई फिश ठाहियां पियो। कराची में नंढियूं मछियूं बि हूंदियूं आहिनि, हुनखे कीअं फ्राई कबो आहे, डीप फ्राई, हुनजी कोटिंग कीअं हूंदी आहे, मसालो छा लॻंदो आहे, मज़ेदार रेसिपी आहे। बादाम जी चांहि ठाहींदासीं, जेको सियारो एॾो हले पियो हुनमें चांहि जी, दिलि कंदो आहे चांहि पीअण जो, त चांहि जा बि डिफरेंट फ्लेवर हूंदा आहिनि, त मां सोचियो की तव्हांखे बादाम वारी चांहि ठाहिणु सेखारियां। ॿई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदी, स्क्रीन ते नंबर हले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, तव्हां पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे, मज़ेदार रेसिपी फ़िश का, पूरा लास्ट वीक से मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, काफ़ी सारी वैरायटी आपके साथ शेयर की। तो आज भी कराची की फ्राई फ़िश बनाऊँगा, मज़ेदार छोटे साइज़ की फ़िश जो मिलती हैं उसमें पापलेट है, डिफरेंट किस्म के नाम बताऊंगा आपको, तो वो हम पूरी डीप फ्राई करते हैं। उसके ऊपर आपने देखा होगा येलो कलर का एक शेड आ रहा होता है, मसाला कोट हुआ होता है। पूरी साबित फ़िश जो फ्राई होती है वो वाली रेसिपी बनाना सिखा रहा हूँ, कराची फ्राई फ़िश। उसके साथ सर्दियों में हम डिफरेंट किस्म की चाय है, कहवे हैं, कॉफ़ीज़ हैं, लाइक करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं शेयर करूं बादाम की चाय। बादाम की चाय बड़ी मज़ेदार बनेगी, वो भी आपने नोट करनी है। और डेली डिफरेंट किस्म की चाय बना के पिए, कोई मेहनत नहीं, बिल्कुल ईजी रेसिपीज़ हैं बहुत सारी। अभी और भी चाय हैं आपको बनाना सिखाऊँगा, कॉफ़ी है, कैपीचिनो वगैरह बनाना सिखाऊँगा। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन का नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर जो आपके सामने मैं यूज़ करता हूँ। मलका फूड है हमारे साथ, मलका फूड में काफ़ी सारे मसाले, वसी रेंज है। और शारजा कुकिंग ऑयल जो हर वक्त मेरे साथ होता है, जिसमें काफ़ी मज़ेदार खाने बनते हैं, तो शारजा कुकिंग ऑयल के साथ ही हम रेसिपीज़ बनाते हैं। अच्छा, फ़िश जेका है मच्छी तहां हे डंदिया है, ठीक है, हे मच्छी है डंदिया जो नालो है, मिली वेंदी आहे कराची में, त आहे सिंध में बि मिलंदी हूंदी। हिकु कंडे वारी मच्छी आहे, ठीकु आहे, हिकु कंडे वारी मच्छी आहे। हिनखे असां साबित फ्राई कंदासीं, जस्ट हिनखे कट लॻाया आहिनि, हिकु ॿ कट ॿिया बि लॻाईंदासीं हिनखे, ॿिन्हिनि पासे कट लॻंदो। हिन जे तरीक़ेकार छा आहे, हे पेट जो साफ़ु थियल आहे, सफ़ा साबित मच्छी आहे, ठीकु आहे, पेट हिन जो साफ़ु थियल आहे, ऐं ॿिन्हिनि पासे हिनखे कट्स लॻल आहिनि, त हिकु हिकु कट मां ॿियो बि लॻाए थो छॾां, ताकी कट्स हिनखे वधीक लॻनि, ठीकु आहे। ज़्यादा कट्स होने चाहिए। फ़िश आप जब लेंगे तो ये साबित फ़िश मिल जाती हैं छोटे साइज़ की, ये दंदिया इसको कहते हैं, एक कांटे की फ़िश है। कराची में हर आउटलेट पे, मींस के मच्छी वालों के पास भी मिलेगी, और आपको बड़े स्टोर्स पे भी जहाँ फ़िश मिलती है वहाँ भी ये मिलेगी। एक कांटे की मछली है, तो इस पर तीन तीन ये लगे हुए हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा कट्स लगा रहा हूँ। पेट इसका साफ़ करवा दें, दुम इसकी रहने दें, खूबसूरती रहती है इसकी, इसी तरह ये जो हम बाहर मछली खाते हैं साबित होती है। सर भी इसका रहने दें, सर नहीं कटवाइएगा, वरना वो फिर उसका शेप बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, सर इसका रहने दें, बस साफ़ करवा दीजिएगा। इस तरह मैं इसमें कट लगा रहा हूँ, आप लगवा के लाइएगा, हाथ में कांटे भी लग सकते हैं, इसमें तीन तीन कट लग के आई हुई है, तो इसलिए मैं इस पर एक्स्ट्रा कट्स लगा रहा हूँ, चार चार छः छः कट मैं इस पर लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आप मछली ले लें, पापलेट ले लें, छोटी आती है, रहू आती है, ठीक है, मुश्का आते हैं, और बहुत सारी मीठे पानी की भी आती हैं, नमकीन पानी की भी आती हैं फ़िश, इस तरह की आपने ले लेनी। इसका जो मसाला बनेगा उसको हमने कोट करके फिर हमने इसको कितनी देर रखना होता है, 2 से 3 घंटे। एक बॉल लेते हैं प्लेटर, जिसमें हम बनाएंगे मसाला, ठीक है, ऐं हिनखे कंदासीं डीप फ्राई, हिन जो मसाले में छा वेंदो, हिन जे मसाले में असां विझंदासीं ॾही। दही हम कितना लेंगे, यहाँ पे स्पून से उठा लेता हूँ, दही हम कितनी लेंगे, ये 1 किलो है वज़न मछली का, 1 किलो यानी 300 ग्राम की एक फिश है, तो 1 किलो मछली है, 3 मछलियाँ हैं, ठीक है, 1 किलो के वज़न में, 1 किलो के वज़न में 3 मछियों हैं। तो जो मसालो ठाईंदी इतने असं विझासी दही, दही के थोड़ो फेटे वो आधा कप दही लेंगे, ठीक है, आधा कप दही ले लिया। इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच,
एक खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट चला गया, थूम जो पेस्ट वयो अध कप दही वही, ठीक है, थूम जो पेस्ट वयो अध कप। स्क्रीन ते नंबर हलाए जो, कल भी मुझे काफ़ी कॉलर्स रहो है कि स्क्रीन ते नंबर ना हलंदो आ, लेट हलंदो असा कॉल नथा करे सकूं। नहीं नहीं किया करें कंटिन्यू, मुझे बॉडी आती है मसला तो मैं बोलूँगा, नो इशू, ये फौरन चलवाया करें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पे आधा कप हमने लेनी है दही, उसमें एक खाने के चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट डालना है, अध पा दही इन में विझंदी असा थूम जो पेस्ट एक खाने जो चमचो, ठीक है। इनके चंगी तरह मिक्स करण का पोए इन में विझंदी इतने धाणा पीठल एक और दो, इस तरह फुल भर के दो खाने के चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय जो चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच फुल भर के डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। उसके बाद एक चाय का चम्मच भर के डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चाय का चम्मच भर के डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद नमक डालेंगे इसमें एक चाय का चम्मच, ये हो गया। इसके बाद हमने जीरा पीस के डालना है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? नुसरत बात कर रही हूँ, टनोलियार से। जी जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आपकी जो ये रेसिपी है, रेसिपी और ये मजे की लगती है, बनाई गई कई चीजें सबको बहुत पसंद आई है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी देख रही हूँ और ये पूरा वीक देखा आपने, लास्ट वीक से फिश बनाता आ रहा हूँ। जी ठीक है, कोई फरमाइश करनी है आपने? मुझे ये जो बनाते है ना सूजी की वो कहलाती है पिंजरी, वो ना बना दे। सूजी की खीर जो होती है ना जी, पतली वाली, ठीक है मैं बना दूंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, एक दो वीक में इंशाल्लाह बना दूं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त दे, आमीन। आप हमें बताते रहे और हम बनाते रहे। थैंक यू, आमीन, जज़ाकअल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सफ़ेद ज़ीरा लेना है एक खाने का चम्मच, और साबित धनिया भी डालना है इसमें एक चाय का चम्मच, क्योंकि हमने पिसा हुआ धनिया डाला है तो साबित धनिया की क्वांटिटी हम कम रखेंगे। पीठल धाणा जो विधा इनमें ट्रे बखा ट्रे खाने से चमचा, तो साबित धाणा जो होंगे उनके कुटे विझो, तो वह विझंदी एक चाय जो चमचो। ठीक है, ये हमने डाल दिया। पूरी रेसिपी दोबारा रिपीट कराता जाऊंगा, कोई चीज़ मिस ना हो रही हो तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। हाँ छा कंदी इन के कंदी मिक्स, लूण भी हलो वो मिक्स कर सर, इनमें पानी विझंदी। अच्छा, हाँ इनमें जो इनके मत कोटिंग थी करी कॉर्नफ्लोर और मैदो, कॉल वूँ था, असलाम वालेकुम। अच्छा, मैदा डालेंगे इस पर एक खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर डालेंगे एक खाने का, इससे क्या होगा जो मसाला चिपका हुआ होता है वो उतरेगा नहीं फ्राई होते हुए, ठीक है, मसाला चिपक जाएगा। एक खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे मैदा, बल्कि मैं दही ही डाल देता हूँ इसमें, दो खाने के चम्मच और, कोशिश करेंगे पानी इसमें ज़्यादा ऐड ना करें, दही से इसको बीट करें। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कल आने तक मैं देखा, आज सुबह देखा तुमने। अच्छा, तो देख भी नहीं सके थे शाम में, लेकिन चलो दुकान से चले गए वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त चल रहा था, और स्पेशली इसमें इस दफा जो इजाफा किया गया है मुख्तलिफ इलाकाई जुबानों के हवाले से भी जो बातचीत चल रही है वो बहुत अच्छी है। इस दफा सिंधी से मैंने देखा प्रोग्राम नूर उल हुदा आई हुई थी, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। फिर वहाँ पे जो किताबों की प्रदर्श थी उसमें भी बहुत अच्छी बुक थी, सिलसिला दुबिल्ला की बहुत अच्छी अच्छी बुक है वहाँ पर। तो बस ये कि मैंने प्रोग्राम यहाँ सब डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, मैंने फिर इसको बहुत ज्यादा देख लिया ना, आज सुबह देखा था, अच्छा जबरदस्त चीजें बनाई आपने, स्पेशली चाय बहुत जबरदस्त, ठीक है। आज की चाय भी देखिएगा, बादाम वाली चाय बना रहा हूँ आज भी। हाँ हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है ना कि इंसान रोजाना नए स्टाइल की चाय पिए, तो मतलब कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, तो सिंपल चाय बनाते हैं जी, बिल्कुल, सर्दी में उसी तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छी बनाना सिखा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, चाट मसाला भी जाएगा इसमें, मैं डालना भूल गया था, चाट मसाला हम डालेंगे दो खाने का चम्मच, मुझे लग रहा था मैंने कोई एक चीज़ कम डाली है, चाट मसाला दो खाने के चम्मच भी जाएगा, आखिर में मिला लें पहले मिला लें, इससे क्या होगा फ्लेवर आएगा, चटपटापन आएगा। गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाला हुआ एक चाय का चम्मच, और गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, उतरे ना मछली के ऊपर से, ठीक है। पूरी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, एक
आधा पाव जितनी दही ले लें, एक किलो फिश है, ठीक है, आधा पाव जितनी दही ले लें बगैर मलाई के, उसको पानी ना हो, गाढ़ी दही हो, उसको अच्छी तरह बीट कर लें। फिर उसमें लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच डालें, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, चारों चीज़ें एक एक चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर बना के डाल दें एक खाने का चम्मच, साबित धनिया का पाउडर, साबित धनिया कूट के डालें एक चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया तीन खाने के चम्मच डाल दिया, चाट मसाला दो खाने के चम्मच डाल दिया, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच डाल दिया, मैदा एक खाने का चम्मच और कॉर्नफ्लोर एक खाने का चम्मच गया, और इसको पेस्ट बना दिया है गाढ़ा सा, ठीक है। ये पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा सा पानी का टच करना है ताकि गाढ़ा सा पेस्ट बने, मछली के ऊपर चिपक जाए। छाछा विधो वरी रिपीट कराएं पियो। दही खाई अध पा बगैर मलाई जे, चंगी तरह फेटे दही विझो, उनमें थूम जो पेस्ट पिसे थूम के एक खंड जो चमचो विझो, पीठल गाढ़ा मिर्च, कुटियल गाढ़ा मिर्च, हेड लूण एक एक चाय जो चमचो भरे विझो, पीठल गरम मसालो एक चाय जो चमचो भरे विझो, पीठल धाणा टे खाने जा चमचा भरे विझो, सॉरी टे चाय जा चमचा भरे विझो, चाट मसालो ब खाने जा चमचा भरे विझो, अच्छो जीरो कुट्टे पाउडर वांगर एक खाने जो चमचो विझो, आई साबित धाणा एक चाय जो चमचो पीसे विझो, कॉर्नफ्लोर एक खाने जो चमचो, आई उनके अलावा मैदो एक खाने जो चमचो, ये सब शयों उनके अंदर मिलाईंदासी, मिलाई पो इनके असा मच्छी के मथा लगाईंदासी, कॉल भी वठूं ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरे किथा गलाओ पया? मारका मामा गलाउंदा जी। यदि कुछ चाहिए चाहिदो? हाँ, टीवी खोली है, ठीक है दी, हाँ रिपीट कराया पे टीवी वो, ठीक है। मैदा और कॉर्नफ्लोर में आधा आधा चाय का चम्मच और डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोटिंग अच्छी रुके इसके ऊपर। मैंने पहले एक एक खाने का चम्मच कर दिया था, अब डेढ़ डेढ़ खाने का चम्मच कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि कोटिंग, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि मेजरमेंट हमारी हो, तो उससे आप अब बढ़ा भी सकते हैं, जब आपको शक हो कि इसको ये लगेगा नहीं गिरेगा, तो आप उसकी चीज़ों को एडिशन अपनी वेरिएशन खुद करें। कट्स देख रहे हैं, कट्स के अंदर में मसाला भर रहा हूँ, ठीक है, कट्स ये कहने जा उनके अंदर मसालो लगाएं पियो, ठीक है, मच्छी के चंगी तरह आई हिंजी मुंडी खुलियल है तो इनके अंदर भी मसालो वेंदो, ठीक है, फिश के अंदर भी इस तरह आपने मसाला लगाना है, इससे क्या होगा फिश के अंदर तक फ्लेवर आएगा, ठीक है। मैं इस तरह पूरी मछली पे मसाला लगा रहा हूँ, ये देखें कट्स हैं, कट्स के अंदर लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो ये एक फ़िश हो गई हमारी पूरी, ये देखें आप एक फ़िश पूरी मैंने इस तरह कर दी है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी दो फिश हैं उनको भी पूरा कोट कर रहा हूँ, जाते हैं शॉर्ट ब्रेक पे, ठीक है, ब्रेक वटूँ तो ब्रेक का पूछे कंटिन्यू करना सर। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है बनस्पति घी, तमाम बेहतरीन मलका फूड, असा सा गार्डन में काफ़ी वसी रेंज है, एनएक्स असा गड एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर सब अवेलेबल है। मच्छी के मुँह मसालो लगाए रखे हुए, तीसी सगोता फिश को मैंने मसाला लगा के रख दिया था, इसको आपने 2 से 3 घंटे कवर करके आराम से रख देना है, ताकि इसको अच्छा सा फ्लेवर मिले, अंदर तक गोश्त में इसका जायका जाए, वरना फ़ौरन आप कोटिंग करके कहेंगे तो मछली फीकी होती है, और जब मछली आप लेके आते हैं तो उसको 15 कटवा के लाते हैं या छिलवा के, तो उसको 15 मिनट नमक ला के रखा करें, 1 किलो में 2 खाने के चम्मच जितना नमक लगा के अच्छी तरह हाथ से छोड़ दें 15 मिनट, ताकि मछली नमक पी ले, उसमें फ्लेवर आएगा गोश्त में उसके, फिर उसको अच्छे पानी से धो के छन्नी में डाल दें, उसके बाद आप उसको यूज़ किया करें, ठीक है। लूण लगाईंदा कि वो 15 मिनट पहले मच्छी जड़े वी 15 मिनट पहले 1 किलो में 2 खाने का चमचा लूण चंगी तरह मिलो, वरी रखी छो 15 मिनट का उनके धोई छो, लूण वी वी मच्छी जायको अची उनमें, उनका मच्छी ठाईंदा कि बगैर लूण के अंदर फिकी रह वी है। मसालो वरी मैं रिपीट कराया तो हाँ इनके फ्राई भी कर शुरू किया, इतने शारजा कुकिंग ऑयल मुतो खो है कि डीप फ्राई करनी है, वही कढ़ाई हुए या दरमियाने साइज हुए, ऑयल एतो हो मच्छी चंगी तरह उनके अंदर फ्राई थे, ठीक है। यहाँ पे 1/2 लीटर से ज़्यादा मैंने ऑयल लिया, और ऑयल जो आप मछली के अगर ज़्यादा आपको शौक है तो फिर 1 लीटर जितना ऑयल आप मछली के लिए रख दें,
उसी को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ में, मछली में, सालन में भी वो चला सकते हैं, ताकि उस मछली के ऑयल को हम दूसरे किसी फ्लेवर में यूज़ नहीं कर सकते, ना वेजिटेबल, ना दाल, ना गोश्त, ना चिकन में। सिर्फ इसको फ़िश के लिए रखें, फ़िश इसमें उसका टेस्ट रहेगा तो उसी में पकती रहेगी। और अगर फ़िश इतनी नहीं पसंद, कभी कभी खाते हैं 15 दिन में, महीने में, तो फिर एक कप जितने ऑयल में भी आप ये बना सकते हैं। वो फ्राइंग पैन में या तवे पे फिर इसको सिर्फ फ्राई करना होता है, ऑयल डाल के थोड़ा सा फ्राई करते रहें दोनों साइड से, वो कलर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा इतना ही ऑयल, मैं डीप फ्राई बना रहा हूँ जिस तरह बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर बनती है, वो डीप फ्राई हो रही होती है, आपने देखा होगा उस तरह के, ठीक है। हे मां हुन तरीके सां ठाहियो, अगर तव्हां वटि ऑयल वधीक नथा यूज़ करणु चाहियो, थोड़ो ऑयल खयो, अधु कप मुनो कप फ्राइंग पैन में मच्छी के विझी कवर करे छॾो उनके ॿिन्हिनि पासनि खां, जीअं मच्छी तरंदा आहियूं हुन तरीक़े सां। हे जेको वॾी कढ़ाइनि में फ्राई थींदी, मां हुन तरीक़े सां हिनखे फ्राई कयां पियो, ज़रूरी न आहे तव्हां बि एॾो ऑयल ज़ाया कयो पंहिंजो, ठीकु आहे। ऑयल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अलाह जो शुक्र आहे, कहिड़े किथां ॻाल्हायो पिया जी? अदी छा हाल आहिनि तव्हांजा जी? कुझु चवणु चाहींदो अदी, कोई फरमाइश आहे? न न भुली कान वई आहे मच्छी जी, एॾी सारी मूं वटि रेसिपीज़ आहिनि, इनशाला पोइ विच में वरी हफ़्ते जे अंदरि, मथे हफ़्ते में कंहिं हिकु ॾींहुं हिकु ॿ मच्छी जी रेसिपीज़ रहिजी वियूं त उहो बि ठाहींदमि। मच्छी जी कढ़ाई, मच्छी जो कीमो ऐं लाहौरी फिश अञा रहिजी वई आहे, लाहौरी इहे टई शयूं मां मथे हफ़्ते में शुरू करे वठंदसि विच विच में, ठीकु आहे? महिरबानी, अच्छा महिरबानी, जज़ाक अल्ला, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, ठीकु आहे, थैंक यू, अलाह हाफ़िज़। अच्छा यहाँ पे फ़िश का ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो फ़िश जब हम डीप फ्राई करते हैं तो वो फिर ठंडे ऑयल में जाती है, नीचे बैठ जाती है, और क्या होता है वो ऑयल पकड़ना शुरू हो जाती है, मसाला गिरना, गर्म ऑयल होगा मसाला चिपक जाएगा और अच्छी सी फ्राई होगी। रेसिपी रिपीट कराएं पियो, टे नंढियूं मछियूं आहिनि, डंडिया आहे जो नालो, हिकु कंडे वारी मछी आहे, ॾाढी फेमस आहे, जेतिरा बि फ़िश वारा मछी वारा फ्राई कंदा आहिनि साबित मछियूं, इहे वठंदा आहिनि हिन टाइप जी मछियूं, त इहे वठो। अगरि तव्हांखे पंहिंजी का बि मछी ठाहिणी आहे, कहिड़ी बि तव्हांखे सुठी लॻे थी, नंढी मछियूं ईंदियूं आहिनि, पापलेट अचे थी, त हीअ डीप फ्राई करण जो मसालो आहे। हिन में असां हिकु किलो जे हिसाब सां अधु पाउ ॾही खणंदासीं, ठीकु आहे, हुनखे चङी तरह फेटे वठिजो बग़ैर मलाई जो, हुनमें अदरक सॉरी हुनमें थूम जो पेस्ट विझिजो, हिकु खाइण जो चमचो मिक्स कजो, चाट मसालो ॿ खाइण जा चमचा, पीठल ॻाढ़ा मिर्च, हैड, लूणु ऐं हुनजे अलावा कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिकु हिकु चांहि जो चमचो भरे विझिजो, गरम मसालो पाउडर हिकु चांहि जो चमचो विझिजो। हुन खां पोइ तव्हां हिन में विझंदो अछो ज़ीरो पीसे हिकु खाइण जो चमचो, साबित धाणा गोल वारा उहे कुटे विझिजो हिकु चांहि जो चमचो, पीठल धाणा टे खां चार चांहि जा चमचा भरे विझंदो, गरम मसालो पाउडर हिकु चांहि जो चमचो हलियो वेंदो। पोइ हुन खां पोइ तव्हां छा विझंदो हिन में, मैदो हिकु खां ॾेढु खाइण जो चमचो, कॉर्नफ्लोर हिकु खां ॾेढु खाइण जो चमचो, इहे सभु शयूं मिक्स कजो। अगरि कॉर्नफ्लोर न आहे त सिर्फ़ु मैदो वधाए छॾिजो, ॿ खां टे टेबल स्पून करे वठिजो, मिक्स कजो चङी तरह सॼे मसाले खे। पोइ मच्छी खे कट्स लॻाए छॾिजो, साबित आहे मच्छी, छह छह कट लॻायल आहिनि, पोइ हथ सां चङी तरह मच्छी जे मथां मसालो लेपे कट्स में अंदरि ॿाहिरि सॼो मसालो हुनजे लॻाए छॾिजो, हिनखे पोइ ॿ खां टे कलाक कवर करे रखी छॾिजो। हुन खां पोइ ऑयल फ्राई कंदासीं, ऑयल डीप फ्राई कयां पियो, शारजा कुकिंग ऑयल खयों आहे, पूरो हिते भरियल आहे, एतिरो भरियल हुजे की ॿाहिरि न अचे उथली ऑयल, ठीकु आहे। मच्छी खे फ्राई कंदासीं जेको ओरिजिनल तरीक़ो मां हुन तरीक़े सां फ्राई कयां पियो। अगरि तव्हां वधीक ऑयल नथा यूज़ करणु चाहियो त पोइ तई जे मथां या फ्राइंग पैन में अधु कप जेतिरो ऑयल विझी हिनखे फ्राई कजो पंहिंजे हिसाब सां, लेकिन हे मसालो जेको ॾही वारो आहे हे डीप फ्राई में ई सही रहंदो, तई जे मथां चिंबड़ी पवंदो आहे, ठीकु आहे। और इस जी कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसल भाई? ओके, आवाज़ नहीं आ रही शायद उनको। हेलो, आ रही आवाज़ आ रही है? जी जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। टीवी का वॉल्यूम बंद करके फिर बात कीजिएगा प्लीज़। हैदराबाद से मैं बात कर रहा हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद है। नहीं, मुझे आपकी मेरी अपनी आवाज़ आ रही है आपके घर से, आपके फ़ोन से मुझे। टीवी का वॉल्यूम बंद करके इस तरह आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मुझे आप अगर बोल भी रहे ना कि बंद है, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, टीवी से आपकी आवाज़ बाहर आ रही है, मेरी आवाज़ आपके घर से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल को चेक करने के लिए थोड़ा सा फ़िश का मसाले का पीस डाल के देखते हैं। ये ऑयल अब गर्म हो गया, दुम से पकड़ें फ़िश को इस तरह, ठीक है, और मसाला इसके ऊपर जो अच्छा सा सेट है, अगर गिर रहा हो तो उसको हाथ, ये देखें पूरा लगा हुआ है मसाला, सजो मसालो लगल है, किरे ना पियो, ठीक है। इनके कंदासी डीप फ्राई गरम ऑयल में, ये मैंने डाल दी, अब इसको फ्राई कर, एक एक पीस करें, बड़ा पीस है, पापलेट जो होती है वो छोटे पीस होते हैं, दो दो करें, तीन तीन, डिपेंड करता है कढ़ाई के ऊपर, ठीक है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गला पाया? ठीक है दी, कुछ चैन चाहिए? हाँ, प्लीज़ मुझे जंगल
अच्छा जी जिंगर बर्गर जी जिंगर बर्गर अगर तां मुझे पेज लाइक कयल है त होते तांके मिली विंदी फेसबुक ते मुझे पेज आहे कुकिंग विद शेफ एसएल उते जिंगर बर्गर जी बटर रेसिपीज आहिनि तां प्लीज होता ॾिसी वठो अगर जल्दी आहे न त पोइ थोरो वेट करणो पवंदो हेलो जी कहिड़ो पेज वरी नालो ॿुधाइजो कुकिंग विद शेफ सी एच ई एफ शेफ फैसल फेसबुक ते सर्च कजो कुकिंग विद शेफ फैसल ठीक है तां उनके ॾिसजो उते रेसिपीज मिली वेंदियूं उनके लाइक कजो त उते मेंबर ठही वेंदो पोइ तव्हांखे जेका रेसिपी खपे मूंखे मैसेज करे छॾंदा कयो इनबॉक्स में ठीक है कमेंट्स में न कजो इनबॉक्स में मैसेज कजो मां तव्हांखे उते रेसिपीज शेयर करे वठंदमि ठीक आहे ओके थैंक यू अलाह हाफ़िस मुंहिंजो पेज आहे कुकिंग विद शेफ फैसल ठीक आहे फेसबुक ते आहे उनके लाइक कयो उते तव्हां मेंबर ठही वेंदा आहियो उते रेसिपीज तव्हांखे 2000 खां मथे रेसिपीज बल्कि 2700 मुंहिंजे ख़्याल में हाणे रेसिपीज़ उते जमा थी चुकियूं आहिनि इलाही पुराणो पेज आहे मुंहिंजो 8-9 सालनि खां मां मेंटेन कयल आहे उते सभु रेसिपीज़ लिखियल आहिनि विद पिक्चर ऐं वीडियो चैनल असांजो आहे सिंध टीवी एच डी कुकिंग शो सिंध टीवी एच डी कुकिंग शो यूट्यूब ते तव्हांखे मुंहिंजी सॼी वीडियोज़ उते मिली वेंदियूं हुते बि तव्हां 400 खां मथे वीडियोज़ अपलोड थी चुकियूं आहिनि त उते बि तव्हां ॾिसी सघो था ठीकु आहे फिश को हल्का सा हिलाएं ज़्यादा नहीं ठीक है ताकि मसाला उतरे ना हल्का सा मैंने हिलाया ये बिल्कुल उसी तरह मैं फ्राई करूँ जैसे बड़ी कढ़ाइयों में आप देखते हैं बाहर मार्केट में फ्राई हो रही होती है ठीक है रेसिपी रिपीट कराता हूँ पूरी हमने दही लेनी है आधा पाव बग़ैर मलाई के उसको बीट कर लें उसमें लहसुन का पेस्ट डाल दें एक खाने का चम्मच चाट मसाला डाल दें दो खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च हल्दी पाउडर और नमक एक एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर 3 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच ये डाला उसके बाद जीरे का पाउडर बना के पीस के डाल दें 1 खाने का चम्मच साबित धनिया कूट के डाल दें 1 चाय का चम्मच फिर आपने डालना है इसमें मैदा 1.5 खाने का चम्मच और कॉर्नफ्लोर 1.5 खाने का चम्मच अगर मैदा या कॉर्नफ्लोर में से कोई एक चीज़ है तो उसको 2-2 खाने का चम्मच कर दें ठीक है अगर दोनों में से एक कोई चीज़ है तो तब भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना है उसको मिक्स करना है सारे मसाले को हाथ से मछली को कट्स लगाएं ये दंदिया के नाम से मछली मिलती है एक कांटे वाली जो मछली आपको अच्छी लगती है वो आप लें बहुत वैरायटी आती है मछली की और उसको कट्स लगवाएं साइड्स में पेट उसका साफ करवा के और इसको फिर आपने मसाले इस तरह लगा के 3-4 घंटे छोड़ देना है उसके बाद आप ऑयल अच्छा सा गर्म करें और मछली इसमें डाल के फ्राई करें और बार बार इसको स्पून ना चलाएं ये देखें अब मैं इसको निकाल रहा हूँ ऊपर कर रहा हूँ ये देखें अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो रही है मसाला इसके ऊपर है ऑयल में नहीं है सारा चिपक गया मसाला इस पर ठीक है इसको और फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी बिल्कुल हल्का सा इसको पलटाते हैं आराम से ठीक है हल्का सा इसको पलटाएं और पलटाने के बाद आपने इसको ऑयल डालना है गरम गरम इसके ऊपर ऑयल में ही पकती रहेगी जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगी तो इसको हमने निकालना है फिर इसके साथ एक चटनी बनाना सिखाऊंगा चटनी के लिए हमें क्या चाहिए आधा कप जितनी इमली ले लें पुदीना ले लें आधा गट्ठी एक हरी मिर्च ले लें लहसुन का पेस्ट या एक लहसुन का जवा ले लें उस क्वांटिटी में थोड़ा सा नमक कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला थोड़ा सा ज़ीरा ये सब मिला के पीस के आपने चटनी इसके साथ सर्व करनी है ठीक है अच्छी तरह ये फ्राई हो रही ऑयल अच्छा टेम्परेचर गर्म होना चाहिए ठीक है टेम्परेचर गर्म थियण खपे कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम केरें किथां ॻाल्हायो पिया साईं जी साईं कुझु चवणु चाहींदो पुलाउ त मां कल्ह ठाहियो हो कल्ह ठाहियो या परीं ठाहियो हो मच्छी जो पुलाउ तव्हां ॾिठो न शायदि जी साईं हाणे त फ़िलहालु 5-6 महीननि खां पोइ ई ठाहींदुमि छाकाणि त बार बार एॾी जल्दी मां लाइव में नथो ठाही सघां साॻी शइ ठीकु आहे पेज ते ॾिसी वठिजो मुंहिंजो पेज आहे उते अपलोड थी चुकी आहे रेसिपी ठीकु आहे साईं ओके जी लाफ़ देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है अभी इसको थोड़ा सा और पकने देंगे ठीक है फिश अंदर से अच्छी तरह पक जाए कच्ची ना रहे आराम से इसको पलटाएं ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसको ज़्यादा टच ना करें वरना वो क्या होता है फिश टूटना शुरू हो जाती है मसाला पूरा इसके ऊपर चिपक गया है अच्छा सा और इसको पकने दें मैंने फुल आंच की हुई लेकिन फुल से थोड़ी मीडियम रखिएगा ये ना हो धुआं निकल रहा है इसके अंदर से ठीक है इस तरह आपने ये फ़िश बनानी है इस कोई भी फ़िश आपको अच्छी लगे पापलेट आ रही है और सुरमई आ रही है सॉरी सुरमई कह रहा हूँ रहू आती है छोटी वाली और
बहुत सारी लेडी फिंगर आती है, फिश आती है लेडी फिंगर के नाम से, वो है डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी फिश आती हैं, वो आप इस तरह साबित फ्राई करने के लिए मसाला, आप इसको ज़रूरी साबित नहीं है तो स्लाइसेस में भी तब भी आप इसी तरह कोट करके यही मसाले की मैरिनेशन के साथ आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर साबित ना है तहनी मैरिनेशन से गड ता मच्छी के फ्राई करे सको ता है मच्छी जडे फ्राई थी वेंदी इनके प्लेटर जेको मा ठायो ने मथा रखना वेंदा से कटी ठीक है। और इसके ऊपर चाट मसाला डलेगा जब ये निकल जाए, बस ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिए, अगर जलना शुरू हो जाए इसका गोल्डन कलर आ गया, ऑयल निकालने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये मैंने रख दी प्लेट पे। अब इस पे हम डालेंगे चाट मसाला, पहले फिश डाल देते हैं एक और फिर दूसरी पे आते हैं मछली पर, ये फ्राई हो रही है। अब हमने क्या करना है, चाट मसाला उठाना है, चाट मसाला इसके ऊपर इस तरह डालें जैसे मार्केट में डाला जाता है, ठीक है। चाट मसाला इन्हें मत एक पास का भी दो बरी इनके पलटाइंदा सी दिखाएगा, दूसरी तरफ पलटते हैं, इस पर आपने चाट मसाला डाल देना, ठीक है। आप दिखाएं ना इसको, ठीक है, ये देखें इस तरह फिश हमने फ्राई करते जाना है और इस तरह चाट मसाला डालते जाना है, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। दिल चाहे और क्या शारजा, शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल है नहीं, कुकिंग ऑयल में असा फिश फ्राई कई है, जैसे मच्छी फ्राई थी वे गरम गरम तो इनके मथा मां चाट मसालो विझा पो, ठीक है। फिश जब आपकी फ्राई होती जाए उतार के इसको चाट मसाला इस तरह डालते जाएँ, ठीक है, गरम फिश पे, फिर पलट दें इसको दोबारा दूसरी साइड से, फिर इस पर भी चाट मसाला हल्का सा छिड़क दें, अगर बच्चे हैं साथ तो बच्चों के लिए फिर चाट मसाला नहीं छिड़कें तो उस वजह से फिर आपने ना सिंपल करके देनी है। ये हो गया, फिश पे मसाला लगा दिया और ये हमारी तीन ज़बरदस्त फ्राई फिश, कराची फ्राई फिश ये रेसिपी है आपकी। और अब हम आते हैं इसकी चटनी बनाने पे, ठीक है। हमने चटनी इंजी किया ठांदी, चटनी के लिए हमने लेना हैंड ब्लेंडर एनएक्स का, एनएक्स का हैंड ब्लेंडर लेते हैं। टॉक बैग बंद करें, हैंड ये लेते हैं हैंड ब्लेंडर, ठीक है, एनएक्स जो हैंड ब्लेंडर हिन में असं चटनी ठाईंदी। हम तक बुधा कि ज़बरदस्त शे एनएक्स जी ती सोता इनमें अगर बटन्स भी लगल में तहां चटनी भी ठाई सोता, जूसेस भी ठाई सोता, अगर जूस मशीन आए तो ये ज़बरदस्त है मशीन, तक अढ़ाई का टे हज़ार की मिले थी, इनकी एडी प्राइस ना है कि तुम ऐसी परेशान थे घने जी हुए, तो ये एडी आसान है, बस फॉरन इनमें शूँ विझो प्याले में, हर मिठो विठो सब जो पी पीसणी है इनमें थी, डाड़ू जो जो जूस हों वो भी ठाई सोता, ठीक है। जस्ट इनमें हलाई बिज सजा जो जूस निकली उनके छाने छोड़ो। ये हैंड ब्लेंडर इतना बेस्ट है एनएक्स का, ये आप ले सकते हैं, इसमें आप चटनियाँ बनाएं, इसमें आप सॉसेस बनाएं, इसमें जूसेस बनाएं, पल्प बनाएं, जो चीज़ आपने यूज़ करनी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक अदद हरी मिर्च डाली, आधा गट्ठी पुदीना डाला है वॉश करके कटिंग करके, और आधा कप इमली का पल्प चला गया, आधा कप गिदामड़ी जो पेस्ट, उन अध गट्ठी फूदनो, उन एक अदा साओ मिर्च, हाँ इनमें विझासी थूम की एक गणी, या थूम जो पेस्ट पे हुआ तो थोड़ा सो विझासी एक गणी जितो, ठीक है। लहसन का पेस्ट बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून डाल रहा हूँ, उससे भी कम, क्योंकि एक जवे जितनी लहसन हमने इसमें डालनी, थोड़ा सा सॉल्ट क्वार्टर टीस्पून, सॉल्ट हम बाद में बढ़ा सकते हैं, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच इसमें चला गया ज़ीरा, और चाट मसाला एक चाय का चम्मच, ठीक है। एक चाय जो चमचो चाट मसालो, चौथों चाय जो चमचो लूण, छाकरता चाट मसाले में लूण होंदो है, ठीक है। कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, एक अद थूम जी गणी अच्छो जीरो, एक चाय जो चमचो अद गठी पुदनो, एक अद साओ मिर्च, और गिदामड़ी जो पेस्ट हली वो इनमें थोड़ा पानी विझंदस ब चमचा गिदामड़ी जो पेस्ट अद कप जितो वो, दो टेबल स्पून इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करूँगा। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कह रहे हैं कितना गला पाया
कुछ चेंज चाहिए तो ठाई हो साईं हो मैं ठाई चुको है सेल मच्छी तहां हने फेसबुक ते दिसी वर जो ठीक आ हां फेसबुक ते दिसी वर जो सेल मच्छी जी रेसिपी मैं ठाई चुको आया लास्ट वीक ठीक है साईं ठीक है मैं आलो जब फोन आले छाशे साईं मुझे इनकी आवाज़ नहीं समझ आ रही आप कंट्रोल रूम में बुधाई छो ठीक है ओके ये हमने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर लेके इसको बीट करना है देखिए फौरन इसमें चटनी बन जाती है फौरन इसमें चटनी बन गई ठीक है हैंड ब्लेंडर ये लेके रखें जूसर मशीन भी होनी चाहिए घर में वो जूसेस वगैरह के लिए बेस्ट है ये चटनी के लिए आपकी बेस्ट है चटनी है कोई भी चीज़ का आपने पल्प निकालना है हम जैम बनाते हैं जूसेस बनाते हैं तो इस तरह आप उसमें बना के और ये चटनी इसके साथ ज़बरदस्त किस्म की ये मैंने आपको बनाना सिखा दी है और अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी पे जो हम बनाएंगे बादाम वाली चाय इसको हम रखते हैं टेबल पे बादाम वाली चाय ज़बरदस्त चाय सियारे के हिसाब से काफ़ी सारी चाय तक मैं ठाण सिखा रही है ठीक है इसको टेबल पे पहले सेट करें फिर उसके बाद हम चटनी इसके साथ है कराची फ्राई फिश ठीक है अब हम लाते हैं हम बनाते हैं चाय बादाम वाली चाय ठीक है बादाम वाली चाय ला खंडासी खीर 2.5 कप दूध लेंगे टेट्रा पैक ले लें ठीक है या जैसे दूध हम बॉयल करते हैं ये मेरे पास 2.5 कप जितना दूध है क्योंकि पकने के बाद वो 2 कप रहेगी मैं 2 से 2.5 कप जितनी बना रहा हूँ ठीक है दूध डाला बॉयल हुआ हुआ दूध तो इसको मैं बॉयल नहीं कर रहा हूँ खीर बॉयल थियल है पचे लाए तो इन करें मैं इनके डायरेक्ट गर्म किया पे गुड़ विंदो इनमें 1 खंड जो चमचे ये देखें 1 डली गुड़ की नरम वाला गुड़ ले लें या पिसा हुआ गुड़ आप ले लें वो 1 खाने का चम्मच काफ़ी है दोनों में ठीक है 1 खाने का चम्मच गुड़ चला गया गुड़ इसमें जाएगा इसके साथ हम इसमें क्या क्या डालेंगे बादियान का फूल ये देखें बादियान का फूल है उनका बादियान जो फूल ये दिखाएगा करीब से कॉल भी लेते हैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाह जो शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक कराची फ्राई फिश ठाई है हाँ बादाम वाली चाय ठाया पे तहां टीवी वट वनो मैं रिपीट कराई चंदम ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज एक छोटी दारचीनी की स्टिक एक नंडी दारचीनी नंडा फोटा इतने मैं विजंदस 4 खा 5 अदद ठीक है दारचीनी डाल दी एक छोटी स्टिक गुड़ 1 खाने का चम्मच डाल दिया 2.5 कप दूध ठीक है और 4 अदद छोटी इलायची तोड़ के इसको मैं तोड़ के डाल रहा हूँ ताकि इसका दाना निकले तो दूध में उसका फ्लेवर आएगा 4 से 5 अदद छोटी इलायची चली गई 1 अदद दारचीनी 1 बादियान का फूल ठीक है 1 अदद दारचीनी 1 बादियान जो फूल आए 3 खां 4 अदद इनमें असा विझंदी नंडा फोटा आए 1 खंड जो चमचो गुड़ हाँ इतने पत्ती इनमें इसको थोड़ा सा बॉयल आने दें हल्की आँच पे ताकि इसका फ्लेवर निकल के आए 1 खाने का चम्मच बादाम 8 से 10 बादाम लेके इसका पाउडर बना के इसमें डालते हैं कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अल्लाह जी शुक्र अदी कह रहे हैं कितना गलाओ क्या जी अदी कुछ चढ़ चाहिए तो जी अदी रुखसाना जैदी जी जी हाँ हलो ठीक है मैं बुधाई चंदम हूँ डॉक्टर ना ही ना लेकिन वो भी मैं बुधाई चंदम ठीक है यानी बॉयल दाल घणा डी रखी सको था फ्रिज में बॉयल साग साग के फ्रीज करे वठंदा के अदी पैकेट्स ठायो जेत्रो जेत्रो तांके यूज करनो ता 6 महीने तई रखी सको ता फ्रीज करे हलंदो ता जो पो जडे ठाइणो हो जे अध कलाक पेरी कटी पोन के पतीले में हल्की बाहे ते रखंदो नरम थी विंदो ठीक है दी अच्छा सही है ओके दी थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा बादाम यहां पे 8 से 10 अदद लेने और इसको ग्राइंड कर देना 8 से 10 अदद बादाम लिया और इसको हम कर देंगे ग्राइंड पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करने का मकसद क्या है कि बादाम का फ्लेवर आएगा क्योंकि बादाम वाली चाय है ठीक है 1 खाने का चम्मच ही बन गया बादाम का पाउडर ये पूरा इसमें चला गया
और इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें चाय की पत्ती हसबे ज़रूर जैसे हम डालते हैं। बॉयलिंग आ रही है, मैं इसको साइड में रखता हूँ ताकि इसको हम सेट करते हैं फिर। ठीक है, मशीन हटा दूँ, टाइम बताते जाए मुझे। ठीक है ठीक है, बादाम विधी, गुड़ इनमें नरम थी वने तो पो बाकी इनमें असा विझंदासी पत्ती। पत्ती में हाफ टी स्पून जितनी हसबे ज़रूरत जैसे हम डालते हैं। आप तेज़ खाना चाहें, तेज़ पीना चाहें पत्ती तो आप तेज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप दो कप में पत्ती डालते हैं, चाय की पत्ती वैसे डालें। ठीक है, इसमें दूध डाला है 2.5 कप, एक दालचीनी की डंडी, एक बादियान का फूल, 4 से 5 अदद छोटी इलायची तोड़ के डाल दें, गुड़ 1 खाने का चम्मच डाल दें, गुड़ से इतना मसला नहीं होता मिठास का, और उसको फिर पकाएं, फिर बादाम पाउडर डाल दें 1 खाने का चम्मच और चाय की पत्ती अपने हिसाब से डाल के इसको 10 मिनट पकाना है हल्की आँच पर। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कह रहे हैं कि टीवी जो वॉल्यूम बंद कर छोड़ो, मेहरबानी करें तांजी लाइन 1 मिनट सेकंड में ड्रॉप थी ना था, इसको अच्छी तरह फेंट लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा, इसको अच्छी तरह फेंटते रहेंगे, मैं रेसिपी रिपीट कराया पे और दी हाँ तुम कॉल कई कि ठाए वज तीन रेसिपी ला। असा मच्छी खाई साबित मच्छी तुम डिठी होंगी स्क्रीन से मुझे ठाई है, 1 किलो में 3 दाणा आया 4 भी अची था 6 भी अची सकन था। अद पा ढही खण जो फेटे वट जो चंगी तरह बगैर मलाई जो उनमें 1 खाण जो चमचो तुम विझंद थूम जो पेस्ट, 2 खाण जो चमचा उनमें विझंद चाट मसालो, 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, लूण 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1 चाय जो चमचो, अच्छे जीरे जो पाउडर 1 खाण जो चमचो, कुटियल धाणा जो होंगे साबित धाणा उनके कुटे वो 1 चाय जो चमचो विझिजो, पीठल धाणा अलग से विझिजो 3 चाय जो चमचा। ठीक है, उनका पुन में विझिजो मैदो 1.5 खाण जो चमचो, कॉर्नफ्लोर 1.5 खाण जो चमचो, अगर मैदो या कॉर्नफ्लोर में 1 शय तो 3 खाण जो चमचा विझ छो, चंगी तरह मिक्स कजो, थोड़ा पानी जो छंडो रिझो ताकि पेस्ट घाटो ठही वने। उनका पो मच्छी में कट लगाए उनके लूण लगाए रखो, 15 मिनट पो धोई छो, छाणी में विझो, पानी निकली वने मच्छी जो, उनके मसाले में कोट करे 3 कलाक रखो, उनके डीप फ्राई कयो आ जी कराची फिश होंगी है उन तरीके से। अगर तुम चाहो तो उनके हल्के बाहे से भी तरे सो, लेकिन हल्की बाहे से तरन तो मसालो तई के मथा चिमड़ी वो लही वो ही डीप फ्राई कौ तो सुठी ठहंदी चटनी। उन गड जो मैं ठाई है पुदनो 1/2 गठी, 1 साओ मिर्च, 1 घणी थूम की गिदामड़ी जो पेस्ट खो 1/2 कप, उन गड कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, लूण सफा थोड़ा 1 चाय जो चमचे जीरे से गड, 2 चाय जो चमचा चाट मसालो विझी उनके पीसे, थोड़ा पानी जो छंडो डेई पीसे चटनी ठाई छो। ठीक है, ये चाय अच्छी सी बन रही है बादाम वाली। ठीक है, बादाम वाली चाय इनमें छाछा विधो है, 2.5 कप सवा 2 कप जितो खीर है कड़ियल, उनमें 1 गुड़ की डड़ी विझी, 1 गुड़ ना है था मिठाई भी छो, 1 खाण जो चमचो पीठल, उनका पो इनमें पत्ती विझो हसबे जरूरत जी तुम विझंदा 2 कप के हिसाब से, बादियान जो फूल अगर ना है तो ना विझो, उनके बगैर सिर्फ दार चीनी भी छो, लेकिन बादियान के फूल का खुशबू इंदी है, मैं बादियान जो फूल भी विधो, 1 नंढी दार चीनी विधी है, 4 नंढा फोटा चार विधा है, बादाम ज 8 खां 10 बादाम खड़ी उनको पाउडर ठाई वो विधो है, इनके चंगी तरह फिटंदी पचंदी वेंदी तमाम सुठी खुशबू अच्छे पी, बादाम जो पाउडर इनके अंदर है तो हे जैसे तैयार थी 10 मिनट 8 मिनट इनके हल्की बाहे 2.5 कप पानी खीर विझण मकसद है कि 2 कप रहजी वा फेटण में खीर घट घाटो थे लगन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2.5 कप पानी 2.5 कप सॉरी दूध इसलिए लिया है कि जब ये फेंटते रहेंगे इसको 8 से 10 मिनट तो वो कम होता जाता है, दूध तो 2 कप के करीब रह जाएगा। ठीक है, दूध लिया आपने, उसमें 1 गुड़ डाल दें, 1 डली 1 खाने के चम्मच जितना गुड़ डाल दें, चीनी डालना चाहें तो चीनी डालें, वैसे गुड़ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सर्दियों में बहुत फ़ायदा भी देता है गुड़। उसमें फिर आपने 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद दालचीनी और 4 से 6 अदद छोटी इलायची तोड़ के डालें ताकि उसका अरोमा आए अच्छा सा। उसके बाद बादाम का पाउडर बना के 1 खाने का चम्मच डालें और थोड़ी पत्ती हसबे ज़रूरत डाल के इसको बीट करते हैं, 10 मिनट बाद छान के निकाल लेंगे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं कि तंग लाओ प्या जी, टीवी जो वॉल्यूम बदल है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तां पांजी आवाज बुधण ला मेहरबानी करे, टीवी ते आवाज बुधण ला ना कॉल कंदा क्यों, अगर प्रोग्राम में आहे तांके शौक का सुखणो आ कोई पुछणो आ तब कंदा क्यों, छा करन ता लाइन डिस्टर्ब थिंदी है ने तरीके से, मां तांजी आवाज नथो बुधी सकन, मुके समझ न थी अचे। ठीक है, डबल आवाज थी विंदिया। ये हमारी हो गई चाय कंप्लीट, एक बॉयल आ जाए तेज, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें अच्छी से एक बॉयलिंग आ गई, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसको छान के कप्स में निकाल लेते हैं। पाउडर बनाने का मकसद ये था कि बादाम का जो फ्लेवर है वो चाय के अंदर चला जाए,
تندوری چائے بھی رہ گئی ہے، دو تین اور قسم کی چائے ہیں، کیپیچینو ہے اور اس طرح کی کافی ساری ورائٹی ہے، انشاءاللہ سردیوں کی بناتے رہیں گے۔ کافی میں نے ایک بنائی تھی، ایک دفعہ پھر کافی بناؤں گا، کافی کافی لوگوں سے مس ہو گئی ہے۔ اور سوپس ہیں اب نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ مزیدار ریسیپی، گاجر کے حلوے دو تین قسم کے، گاجر کا گجریلا ہے، لوکی کا حلوہ ہے اور دو تین قسم کے حلوے ہیں، اور پنجیری کی فرمائش آ رہی تھی، پنجیری بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس طرح پورا اچھے سے اس میں چائے کو چھانتے جائیں اور نکالتے جائیں، بادام کی خوشبو، کیونکہ بادام کا پاؤڈر ہے تو وہ فلیور اس میں دے چکا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر بعد میں اوپر سے بادام ڈالنا چاہتے ہیں توڑ کے تو آپ ڈال سکتے ہیں پیس کے، ٹھیک ہے۔ متھا اگر وجھن چاہیے بادام تو وجھی سکو تھا۔ کال وٹھو تھا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ادی کہہ رہے ہیں کتنا گلاؤ پیا جی، ادی کچھ چڑھنے چاہیے تو کو فرمائش ہے، کچھ پوچھنا ہے جی؟ مکے جلدی ابھی بوائل ہو کے یہ دو کپ بھی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، دو کپ سے بھی نیچے چلی گئی ہے، لیکن کافی ہے، آپ اپنے حساب سے بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بادام جی چائے لائے اصل کھیر کھائیں، اڑھائی کپ ان میں گڑ وجی چھجو یا مٹھائی وی چھجو پیٹھل ایک کھائیں جو چمچو، دار چینی جی ایک ڈنڈی وجھو، بادیان جو پھول ودھو، اگر بادیان جو پھول نہ آئے تو نہ وجھو ان کے بغیر بھی ٹھہری ویندی، ٹھیک ہے۔ بادیان جو پھول ایک وجھی چھڑیو، ان کا پو ان میں ننڈا پوٹا ودھا ٹے کا چار عدد توڑے وجھو، ٹھیک ہے۔ ان کا پتی ہزبے جو کپ میں وجھا ایتری وجھو، بادام اٹھ کا ڈہ پیسے پاؤڈر ٹھائی بادام وجھی چھجو، ان کے ہلکی باہ تے اٹھ کا ڈہ منٹ کاڑجو، چمچو ہلائی رہجو، چائے گھاٹی تھی ویندی تیار تھی ویندی، بادام والی چائے پون کے چھانے کڈی وٹھو، ٹھیک ہے۔ کل یہ 12 بجے ریپیٹ چلے گا، کوکنگ وتھ شیف ایسا میرا پیج ہے فیس بک پہ، اس کو لائک کریں، وہاں پہ ممبر بن جائیں گے، ساری ریسیپیز وہاں پہ اپلوڈ ہیں، ان باکس میں آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے سرچ کریں سندھ ٹی وی ایچ ڈی کوکنگ شو یوٹیوب پہ، سندھ ٹی وی ایچ ڈی کوکنگ شو یوٹیوب پہ سرچ کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن دبائیں، ساری ویڈیوز 400 سے زیادہ اپلوڈ ہیں، اور جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں، ویوز تو بہت آتے ہیں، لائک کم آ رہے ہوتے ہیں تو پلیز لائک بھی کیا کریں۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، کل نیکسٹ ویک گاجر کے حلوے سے سٹارٹ کریں گے، اور بہت ساری ریسیپیز ہیں، بہت ساری فرمائشیں وہ بھی پوری کریں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صبح ہانے تا ریپیٹ ہلندو 12 وگے، متھے ہفتے وری انداسی نئی ریسیپی سگر، ہن جو جکا ریسیپیز مجھے ہے پیج کوکنگ وتھ شیف فیصل فیس بک تے، ان کے لائک کیو کوکنگ وتھ شیف فیصل، ہوتے ممبر ٹھہی ویندو، کا بھی ریسیپی پوچھنی جو کچھ بھی پوچھنی جو مکھے میسج کر سکو تا، ما تے جو ریپلائی دیندو ہے میسج جو۔ ویڈیو ڈسن لا سرچ کیو یوٹیوب تے، سان چینل ٹھہلا ہے سندھ ٹی وی ایچ ڈی کوکنگ شو، سندھ ٹی وی ایچ ڈی کوکنگ شو یوٹیوب تے سرچ کیو، سبسکرائب کیا، گاڑے بٹن کے دبائیں، بیل آئکن کی ننڈی گھنٹی ہوں ٹھہل ان کے دبائے جو تاکہ اپڈیٹس ملتی رہی، پنجو کھوڑ سارا خیال رکھو۔ متھے ہفتے ملاقات تھی گجر جو حلوہ، بھی ساری کافی ساری مزیدار سیاری کی ریسیپی، ساگ وغیرہ سب ٹھائیسی، ان شاء اللہ متھے ہفتے ملاقات تھی، دعاؤں میں یاد رکھجو، اللہ حافظ۔ہانے کوکنگ وتھ فیصل جا تمام شو ڈسو ایچ ڈی کوالٹی میں، وزٹ کریو اسانجو یوٹیوب چینل سن ٹی وی ایچ ڈی کوکنگ شو۔